हमारे यहाँ शास्त्रों में बतलाया गया है कि प्रत्येक के कुछ न कुछ ग्रह और नक्षत्र का एक अलग महत्व है। तो बताया गया कि अश्नि अश्लेषा माघा मूल ज्येष्ठा और रेवती, ये हमारे जो 6 नक्षत्र हैं ये सतैसा के हैं। जो बच्चे इस नक्षत्र में आ जाते हैं उन्हें सतैसा कहा जाता है, जिसमें सबसे अत्यधिक जिसे ज्यादातर परेशानी करने वाला लेकिन विशेष ग्रह कहिए तो मूल नक्षत्र होता है। मूल नक्षत्र में अधिकतर बताया जाता है कि जो बच्चे मूल नक्षत्र में आते हैं वो यदि उनका पिता देख ले, माता जी देख ले, ऐसे तो माँ के पास है ही, लेकिन विशेष करके पिताजी के लिए दी बताया जाता है कि यदि पिता देख लेने तो उनके ऊपर कुछ न कुछ दुर्घटना हो सकता है, इसलिए मूल नक्षत्र को विशेष माना गया है। परंतु जितने भी नक्षत्र हैं ये 6 प्रकार के, ये 6 नक्षत्रों में सतैसा को पूछना चाहिए, जो अपने अपने के लिए ये भी एक अद्भुत है। तो ये मूल नक्षत्र का एक उदाहरण आपको दे दें कि नारायणतक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, जो रावण का लड़का था। अब उसने क्या किया कि सभी को ये सागर समुद्र में दहवा दिया, डुबो दिया कि भाई ये न रहेंगे, न मेरा मृत्यु होगा, न मेरे ऊपर कोई दुर्घटना होगा। लेकिन संयोग से सभी सेना के मारे जाने के बाद नारायण तक ने युद्ध में आया था और रावण ने जब उसका मुख देखा तभी उसका भी विनाश हुआ था। इसलिए हर लोग चाहते हैं कि इस तरह के ग्रह से हमारी निवारण हो सके, इसलिए सतैसा मनाया जाता है। इसे कैसे मनाया जाता है, क्या होता है इसमें? इसके अंतर्गत आप अपने अपने जगह पर विशेष करके लोकाचार है, लेकिन ये हमारे यहाँ ज्योतिषी के अनुसार से जो आचार्यगण ब्राह्मणगण जो इस सतैसा को किया करते हैं उसमें 27 तरह का झंडा इत्यादि तथा लकड़ी का हम लोग प्रयोग करते हैं। 27 दिन में इसको मनाए जाने का विधान है, नहीं भी होने पर आगे भी मनाया जा सकता है। और जब पुत्र पुत्रादि को अगर किसी को नहीं पता है कि हम सतैसा में हैं, लेकिन जिस दिन उनको पता चलेगा उस दिन वो ये कर्म उनको करना चाहिए। अगर जान गए कि हमारे ऊपर ये चीज है तो उनको बुढ़ापा में भी क्यों ना पता चले, लेकिन ये करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसे कर नहीं पाते हैं, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रह है तो कहीं ना कहीं आपको व्यापेगा या आपके ऊपर कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा। हुआ कि इससे एक रस्म है तेल में, मतलब कि तेल में जब आचार्य लोग का वो कर्म कराते हैं तो उस समय तेल में पिताजी के द्वारा मुख को दिखाया जाता है बच्चे को, उससे उसका ग्रह कट जाता है। और इत्यादि बहुत तरह के छोटे छोटे रस्म है जो करीब 4 घंटा में इसका वर्णन करेंगे तब जाके पूरा होगा। लोकाचार हुआ नक्षत्र, मेरे यहाँ ग्रह नक्षत्र जो है 27 ही है, इसीलिए 27 दिनों मनाया जाता है।